हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में कॉल करते समय स्क्रीन बंद हो जाता है तो कैसे इसे 100% ठीक करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। तो चलिए हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है सबसे नीचे, और जैसे आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए अबाउट फ़ोन का। तो आपको अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक करना खोजकर, या फिर आपको देखिए वर्जन पे क्लिक करना है, या बेस बैंड एंड कर्नल का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए बिल्ड नंबर यहाँ पर है मेरे फ़ोन में, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप में अगर बाहर रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लिक करना, और कितनी बार क्लिक करना है, कम से कम 7 से 8 बार लगातार क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर आपको देखिए बैक आना है। जैसे ही बैक आएंगे तो अब आपको यहाँ पर सिस्टम का या फिर अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन रहेगा तो एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो हमारे फ़ोन में एडिशनल सेटिंग है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। अगर ये फ़ोन आप देखिए, ये सेटिंग आपके फ़ोन में नहीं है एडिशनल सेटिंग, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से डेवलपर ऑप्शन अगर बंद रहेगा तो चालू कर देना है, देखिए बंद है तो चालू कर देना है। फिर आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक सेटिंग्स डेवलपर टाइल्स, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए ऊपर से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंसर्स ऑफ का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको इसे यहाँ से चालू कर देना है। चालू करने के बाद आपको बैक आना है मोबाइल के होम स्क्रीन पे, और फिर से मैं सेटिंग पे चलता हूँ। अगर यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी या एडिशनल सेटिंग वाला देखिए ऑप्शन नहीं है एडिशनल सेटिंग वाला, तो फिर क्या करना है, ऊपर सर्च बार में आना है और यहाँ पर लिखना है DEVE, तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइस हम होम स्क्रीन पे आते हैं। अब गाइस आपको नोटिफिकेशन को इस तरह स्लाइड करना है, अगर नीचे से होता होगा तो इस तरह, और ऊपर से होता है तो इस तरह नोटिफिकेशन को, और फिर यहाँ पर देखिए सेंसर ऑफ जो है इसे चालू कर देना है। चालू करने के बाद जब आप कॉल करेंगे तो कॉलिंग टाइम स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा 100%, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में चाहें तो देखिए यहाँ पर फ़ोन से बात करने के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं, या फिर आप इसे रहने देना, कोई बात नहीं है। तो गाइस इस तरीके से 100% आप सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।